एमएक्स प्लेयर की जानी मानी वेब सीरीज आश्रम सीजन 3 आज रिलीज हो गई है। वेब सीरीज में बॉबी देओल, ईशा गुप्ता, चंदन रॉय, तिदा चौधरी और अदिति पोहनकर लीड रोल में हैं। आश्रम के हर सीजन के साथ बाबा निराला का स्वरूप बड़ा है और ये सीजन भी कुछ ऐसा ही है। वेब सीरीज के डायरेक्टर प्रकाश झा ने कहानी में ईशा गुप्ता के नए किरदार के जरिए ट्विस्ट लाने की पूरी कोशिश की है और बाबा के भगवान बनने की कहानी को दिखाया है। इस तरह वे सीरीज में बांधने में कायम रहते हैं, लेकिन सीरीज की धीमी रफ्तार एक बार आपको फिर तंग कर सकती है। दरअसल आश्रम वेब सीरीज की शुरुआत दलित परिवार की लड़की पंपी से हुई थी, जो समाज की कुंडा और कुरीतियों के चलते बाबा निराला के दर पर पहुंची। शुरुआत में पंपी को लगा था कि बाबा निराला का धाम दुनिया में इकलौती ऐसी जगह है जहाँ पिछड़ा, ऊंचा और नीचा कुछ नहीं माना जाता, यहाँ सब कुछ एक समान है। लेकिन जब पंपी बाबा निराला के आश्रम पहुंचती है तो उसे वहां जाकर ये पता चलता है कि बाबा निराला सिर्फ भ्रष्ट कपटी ही नहीं बल्कि आश्रम की साध्वियों का यौन शोषण भी करता है। पंपी ठान लेती है कि वे हवस के इस पुजारी की सच्चाई सबके सामने लाकर रहेगी। तो वहीं दूसरे सीजन में जैसे तैसे रिपोर्टर अक्की की मदद लेकर पंपी आश्रम से भागने में सफल हो जाती है। आश्रम 2 के दर्शकों ने देखा था कि दलित परिवार की लड़की यानी कि पंपी बाबा निराला के चंगुल से भाग चुकी है। बस यहीं से आश्रम 3 की कहानी नए मोड़ के साथ शुरू होती है। बाबा निराला का साम्राज्य पिछली बार से भी ज्यादा फैल चुका है। अब बाबा निराला से बाबा ही नहीं बल्कि लोगों के लिए भगवान बन चुका है। उसका ये घमंड उसे और आक्रामक बनाता है। बाबा निराला और भोपा सिंह ने पाखंड और काली करतूतों से अपना साम्राज्य कई गुना बढ़ा लिया है। शहर का बच्चा बच्चा अब उसकी झूठी आस्था में फंस चुका है। सांस्कृतिक और आस्था की आड़ में उसने बड़े बड़े बिजनेसमैन और नेताओं को अपनी मुट्ठी में ले लिया है। अब इतने शक्तिशाली बने बाबा निराला का सामना पंपी कैसे करेगी, ये तो आपको सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आखिर में अब सवाल ये आता है कि आपको ये सीरीज देखनी चाहिए या नहीं। तो जाते जाते आपको ये भी बता दें कि एक बदनाम आश्रम के एपिसोड काफी लंबे हैं और इस सीन्स देखकर यूं ही लगता है कि जैसे प्रकाश झा ने एक्शन बोलने के बाद थोड़ा बहुत काम और निपटा लिया और फिर आकर कट बोल दिया। सीन चलते जाते हैं। गनीमत है कि OTT पर फास्ट फॉरवर्ड का ऑप्शन भी मौजूद है, क्योंकि सीरीज का कप्तान यानी इसका निर्देशक ही अपनी पकड़ सीरीज से खो चुका है। लिहाजा बाकी तकनीक की टीम की अगर हम बात करें तो उनको भी दोष देना ठीक नहीं है। हालांकि अब सीरीज बोरिंग होगी या इंटरेस्टिंग, ये तो आपको सीरीज देखने के बाद ही मतलब चलेगा। तो आप भी जाइए और आश्रम सीजन 3 की ये सारे एपिसोड्स देखे, हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। ऐसी और तमाम सीरीज और ट्रेलर रिव्यूज के लिए आप जुड़े हमारे साथ और देखते रहिए सन राइज न्यूज़। धन्यवाद।